मैं मर्फी बॉय नहीं हूँ। मेरा ये सोचना है कि अच्छाई उतने ही हद में अच्छी लगती है जितना कि वो अच्छा लगे। ये बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आदरणीय प्रहलाद जी का कि ये आज ये समा ऐसा हुआ है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोग के समक्ष वो सब कह सकूँ जो इससे पूर्व पहले कभी नहीं कहा। ये आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नज़र आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज़ का, या रिलीज़ हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज़ मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हो, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नज़र आई गोविंदा, ये रिलीज़ कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई, उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली, मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं, चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज़ नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है वो रिलीज़ नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई, आप सब जो पत्रकार गण हैं सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहाँ से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहाँ तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब ये हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं, ये तो हद हो गई। अब यह सोचने का विषय है, एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम, और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घातपात कर दिया है। मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो हैं वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं, ऊपर वाले ने मुझ पे कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूँ। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास 9 वर्ष का पूरा लेखा जोखा है। यह ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूँ, मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूँ। मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूँ किसी से। आई थिंक सो, आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर आर फ्यू पीपल, दे आर बिहाइंड नॉट प्रो
providing me the place to act. I'm very sorry for that. And God is there, Uparwala hai, aur wo beshak, wo kisi ke saath galat nahi karta hai, aur ye log jo kar rahe hai, ye sahi dhang nahi hai. ये तौर तरीका ही नहीं है. जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था. अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए. ऐसी क्या गलती मैंने कर दी मुझे नहीं समझ में आ रहा है. और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूँ और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूँगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा. ये किया जा रहा है और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है. आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका उसका सिनेमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है. ऊपर वाले ने बहुत मुझ पर कर्म किया हुआ है, वो तो है, परंतु क्योंकि ये आदरणीय प्रहलाद जी के साथ ये हो रहा है, मैं किसी भी भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंशा नहीं है. मेरा ये सोचना है कृपया मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें. और ऐसा हाल रहा तो मैं फिर मैं क्या कह सकता हूं? और मैं बेचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है. मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया, अब क्या है. गोविंद जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं जो मतलब मैं ये सब मुझे ये सब टॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं. मैं इस इंडस्ट्री से हूं और इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है. मैं किसी विशेष लोगों के बारे में कहूं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, ये दुखद है. आप एक प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति के लिए आप उसे जगह ही ना दें, जो आधा दर्जन सितारे प्रहलाद जी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, आप उसे मंच नहीं देंगे. दिस इज रॉन्ग. आई थिंक्स दिस इज समथिंग डिफरेंट वर्ल्ड वी आर वॉचिंग, एंड दिस इज मे बी दे आर नॉट रियलाइजिंग, बट दे आर इनडायरेक्टली doing a very negative job, जो वो wrong type के लोग करते हैं. It's not good. ये यहाँ का माहौल है ही नहीं, ये फिल्म लाइन की ये परिस्थिति कभी नहीं है, मुझे लग मेरे देखे तो नहीं रही. जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे उस टाइप के, इस टाइप के, ऐसे टाइप के, वैसे टाइप के लोग हैं, अब का माहौल बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे एक भी रॉन्ग नहीं है, फिर ये क्या है. गोविंदा जी, हम लाइव हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन वो जानना चाहते हैं क्या ये दिक्कत, ये पॉलिटिक्स आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं खरे तौर पे, या फिर सरकार से आपको आपत्ति है? मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं कभी ऐसा विषय चर्चा नहीं करूँगा, आज तक कभी किया भी नहीं, मैं चाहूँगा भी नहीं. मेरा ये सोचना है कि ये घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु ये ऐसा हुआ है, हो सकता है, पुनः मैं कहूँगा कि भाग्य का हिस्सा हो सकता है. मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं वो लोगों से जो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा है उसके भाग्य पे उसे छोड़े. आप मंच प्रदान, आदरणीय प्रहलाद जी की फिल्म, और आप उसे सेंसर का टाइम नहीं दे रहे, उसे डेट्स नहीं मिल रही है. ये तो तब भी नहीं हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये तब भी नहीं हुआ. क्षमा चाहता हूँ मैं उन लोगों से जो शायद इन सब चीज़ों के पीछे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ. मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यह माहौल बदलें, और मेरी बाकायदा ईश्वर से यह प्रार्थना है, मैं खुदा से यह दुआ करता हूँ कि उन लोगों के पे वो नज़र करें, देखें उस तरफ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ बैड. क्षमा प्रार्थना है.